नमस्ते। अब आज हम अंग्रेजी पाठ पढ़ेंगे सिल्क रोड। आइए देखें कि ये पाठ सहिष्णुता के मूल्य से कैसे जुड़ा है। ये कहानी लिखी है निक मिडिलटन ने। ये अध्याय वर्णनकर्ता के राव की ढलानों से लेकर कैलाश पर्वत तक की साहसिक यात्रा के बारे में है। क्वारा खत्म करने के लिए, उसे विदाई देने के लिए लेमो ने उसे एक लंबी आस्तीन वाला भेड़ की खाल का कोट दिया। उसने उसके साहसिक कार्य के लिए शैंटान की कार किराए पर ली और उसे दार्शिल तक ले जाने के लिए डैनियल को साथ लिया। ये उन कठिनाइयों को दर्शाता है जिनका सामना उन्हें कैलाश के रास्ते में करना पड़ा। नाम सिल्क रोड या सिल्क मार्ग व्यापार सड़कों के एक नेटवर्क को संदर्भित करता है जो पूर्व और पश्चिम से जुड़े हुए हैं। इस सड़क का नाम रेशम व्यापार के नाम पर रखा गया है जो स्थापित हुआ था चीन, यूरोप और अफ्रीका के बीच। लेखक दर्शन से थोड़ा सा निराश था। शुरुआत में उसे सांस लेने में गंभीर समस्या थी। ठंड के कारण साथ ही समुद्र तल से वो स्थान ऊंचाई पर था, उसे अपने सीने में भारीपन महसूस होता और जब भी वो लेटने की कोशिश करता तो वो सांस लेने में असमर्थ हो जाता था। उसने सचमुच दार्शिल में पहली रात दीवार के सामने जागते हुए बिताई। हालांकि अगले दिन एक डॉक्टर के पास जाने और तिब्बती दवा लेने के बाद समस्या पूरी तरह कम हो गई। दूसरी बात, वो जगह धूल से भरी थी और आंशिक रूप से उपेक्षित, और वहाँ चारों तरफ कूड़ा कचरा बिखरा था। चूंकि लेखक को आने में बहुत जल्दी थी, इसलिए दार्शिल में शायद ही कोई तीर्थयात्री था। वो अकेला था और उसे वो महसूस भी हुआ क्योंकि वहाँ शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति था जो अंग्रेजी बोलता था। खराब स्वास्थ्य, उदास शहर, लगभग कोई तीर्थयात्री नहीं और बात करने के लिए आसपास कोई नहीं होने के कारण उसे शहर में ही रुकना पड़ा। वो बहुत उदास था। हालांकि वो सकारात्मक सोच के साथ खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कैलाश पर्वत पर जाने का विकल्प उसके लिए गंभीर रूप से सीमित था। तभी उसकी मुलाकात दार्शिल के एकमात्र नॉर्बू तिब्बती एकेडमिक से हुई, और वो भी दार्शिल के एकमात्र कैफे में। नॉर्बू बीजिंग में काम करता था, अंग्रेजी बोलता था और कैलाश पर्वत की ओर जा रहा था। सहिष्णुता यहाँ एक मूल्य के रूप में कैसे आती है? पर ऐसा है, ये यात्रा लेखक के लिए एक से अधिक मायनों में निराशाजनक और सीमित थी। चुनौतियाँ, कठिनाइयाँ, शरीर की अनुकूलता, खराब स्वास्थ्य, सभी ने उन्हें अपनी महत्वाकांक्षा से रोका, लेकिन लेखक ने इन सब पर काबू पा लिया अपनी सकारात्मक सोच से, और मित्र ने इसके लिए एक अच्छी शुरुआत की, और वो ऐसा व्यक्ति था जो एकेडेमिया जगत से था। इस पूरी कहानी का मूलभूत पहलू असुविधा को सहन करने की निर्णायक क्षमता है और आगे बढ़ना है, सहनशील बनना और स्थिति का साहस और सकारात्मकता के साथ डटकर सामना करना। जीवन में हम सभी को चुनौतियों का सामना करने के लिए एक निर्णायक दिमाग की आवश्यकता होती है। जब भी कोई अस्पष्टता और भ्रम उत्पन्न होता है, अब आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं।